तो 21 तारीख को मेरे को मेल मिला YouTube की तरफ से, और उस मेल में लिखा हुआ था कि चेक योर रिसेंट पेमेंट, और मैं अपने बैंक अकाउंट को चेक किया तो गाइज मैं आज के वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि YouTube से कितना व्यूज पे कितना डॉलर यानी कितना पैसा मिलता है। इंडियन करेंसी में अगर पैसे की बात करें तो कितना व्यूज पे कितना पैसा मिलता है। बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखे होंगे कि यूट्यूब से मैंने ये कर लिया वो कर लिया, और वो सही तरीके से नहीं बताते कि इतना व्यूज पे मेरे को इतना डॉलर मिल रहा है। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा ट्रांजेक्शन में दिखाऊंगा। अभी मेरा रिसेंट पैसा आया हुआ है यूट्यूब से, और पहला पेमेंट है मेरा यूट्यूब से, तो मैं आपको ट्रांजेक्शन भी दिखाऊंगा, अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर जाके दिखाऊंगा कि मेरे को कितना पैसा अभी रिसेंट में मिला है, और मैं व्यूज के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कितना व्यूज पे अभी कितना पैसा मिल रहा है यूट्यूब के। आप देखोगे ना, एनालिसिस करोगे तो यूट्यूब कैसे पैसा पेमेंट करता है आपको, आप पे आपके वीडियो पे एड रन कराएगा उसका पैसा देगा। तो अभी जो यूट्यूब पे जितने भी एडवर्टीजमेंट कंपनी है बहुत ज़्यादा अभी एडवर्टाइजमेंट करा रही है यूट्यूब पे, तो अभी जो है ना यूट्यूब से जिनका भी इनकम हो रहा है कम व्यूज पे ज़्यादा पैसा अभी मिल रहा है अभी की डेट में। और लॉकडाउन में जितने भी एडवर्टीजमेंट कंपनी थी वो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करा रही थी यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि लॉकडाउन में प्रोडक्ट उनका बिक नहीं रहा था, इसके वजह से वो एडवर्टीजमेंट नहीं करा रही थी। तो 5,000 व्यूज पर भी एक डॉलर बढ़ रहा था, 10,000 व्यूज पर भी एक डॉलर बढ़ रहा था लॉकडाउन में, वही बता रहा हूँ। तो लॉकडाउन में काफ़ी डिक्रीज हो गया था जो अर्निंग था यूट्यूब से, अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा एड आने लगे हैं यूट्यूब पे, तो पैसा भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है यूट्यूबर को। जो जिनका भी यूट्यूब पे चैनल है और व्यूज लाखों में आता है तो वो पैसा लाखों में छापते हैं। तो मैं अभी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि मैं देखा हूँ ना अपने, मैं भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया हूँ यूट्यूब पे कि भाई कितना पैसा देता है यूट्यूब कितना व्यूज पे। तो ज़्यादातर यूट्यूबर का देखा हूँ कि वो एक प्रोडक्ट बताते हैं कि मैं एक मंथ में मेरा जो यूट्यूब अर्निंग है एक मंथ में मैं ये कार ले सकता हूँ या फिर मैं फ़ोन ले सकता हूँ, ऐसे बात करते हैं। तो मेरे को कन्फ्यूजन रहता है, आप लोगों को भी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार इतना ये बात करें कि एक फ़ोन ले सकता हूँ तो फ़ोन का क्या कीमत होगी। तो ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताऊँगा कि क्लियर यहाँ पे कि कितना व्यूज पे आपको कितना डॉलर, या फिर मैं रुपया में बताऊँगा कि कितना रुपया मिल रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, जो लोग नए चैनल पर आए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा YouTube स्टूडियो है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये 28 दिन का इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे आप देखोगे तो जो मेरे को डॉलर मिला है वो 79 डॉलर मिला है, और यहाँ पे जो व्यूज मिला है मेरे को 28 दिन में 149K मिला है, यानी 1,49,000 व्यूज पे मेरे को 79 डॉलर दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं और अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 149 यानी 1,49,000 व्यूज मेरे को मिला था, और इस व्यूज पे मेरे को जो डॉलर मिला था वो 79 डॉलर मिला था। तो इतने को इतना से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1,49,000 से मैं डिवाइड कर देता हूँ 79 डॉलर, तो यहाँ पे जो आंसर निकल करके आएगा ये जो पॉइंट है ना इसके बाद वाला जो डिजिट है उसे मैं काट देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ। और यहाँ पे देखोगे तो जो मेरा व्यूज निकल करके आया है वो 1800 व्यूज निकल के आया है, यानी 1800 व्यूज पे मेरे को एक डॉलर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ये कम भी ज़्यादा हो सकता है, किसी किसी वीडियो पे 1400 व्यूज पे भी एक डॉलर मिल जाता है और 1500 व्यूज पे भी एक डॉलर मिल जाता है। तो बात है आपके वीडियो पे कितना बार एड आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग एड का ही पैसा क्रेडिट होता है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में। एक और नोट करने वाली बात है, 8 मिनट से ऊपर का वीडियो है तो उस पर मल्टीपल एड आएंगे, यानी आपका 1000 भी 1200 भी व्यूज पे भी हो सकता है आपको एक डॉलर मिल जाए, क्योंकि 8 मिनट से ऊपर का वीडियो है तो वहाँ पे उस वीडियो पे मल्टीपल एड रन होंगे तो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो अभी रिसेंट मेरा पेमेंट आया हुआ है यूट्यूब के तरफ से कितना आया हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है, क्योंकि ये मेरा पहला पेमेंट है, इससे पहले कभी मेरे को पेमेंट नहीं मिला था यूट्यूब की तरफ से। और मेरे को 21 तारीख को क्या है ना कि यूट्यूब जो भी पैसा सेंड करता है 21 तारीख को ही सेंड करता है हर एक यूट्यूबर को, और 5 दिन का समय मांगता है कि 5 दिन के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो 21 तारीख को मेरे को मेल मिला यूट्यूब की तरफ से, और उस मेल में लिखा हुआ था कि चेक योर रिसेंट पेमेंट, और मैं अपने बैंक अकाउंट को चेक किया तो कोई भी पैसा नहीं आया हुआ था। तो यहाँ पे मैं बताया था ना कि 5 दिन का समय मांगता है यूट्यूब, यानी 21 तारीख के बाद मैक्सिमम समय लगता है, 26 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाना चाहिए, अगर जमा नहीं होता है तो आप जाके बैंक में संपर्क कर सकते हैं। तो आज का जो डेट है वो 25 तारीख है, और 25 तारीख को मेरा यहाँ पे देखेंगे पैसा क्रेडिट हो चुका है। तो यहाँ पे 4 दिन समय लगा,
यूट्यूब के हिसाब से 26 तारीख से पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पैसा जमा हो चुका है, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, बस गूगल एडसेंस अकाउंट में मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दिया था और छोड़ दिया था। 21 तारीख को पैसा सेंड कर दिया गया और 25 तारीख को यहाँ पे पैसा जमा हो चुका है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको जानकारी मिल चुका होगा कि कितना व्यूज पे कितना डॉलर मिलता है। तो यहाँ पे ऐड का खेल है, जितना ऐड आएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा बताइए कमेंट करके, और चैनल पे जो लोग पहली बार आए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।